तो हम डिस्कस करेंगे आज बोर्ड्स मॉडल। जो बोर्ड्स मॉडल था वो दो कंसेप्ट पर बेस्ड। एक फर्स्ट कंसेप्ट का नाम है रदरफोर्ड कंसेप्ट, ठीक है ना, और दूसरे कंसेप्ट का नाम था प्लैंक कंसेप्ट। अब इन दोनों कंसेप्टों में डिफरेंस क्या था? दिस इज क्लासिकल कंसेप्ट। क्लासिकल कंसेप्ट का मींस है कि इसका कोई लेबोरेटरी में प्रूफ नहीं है, या फिर कोई एक्सपेरिमेंटल या पेपर पे कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ एक आइडिया था। जबकि प्लैंक जो कंसेप्ट था वो क्वांटम कंसेप्ट पर बेस्ड था। क्वांटम कंसेप्ट का मींस है कि हम इन कंसेप्ट को लैब में पेपर पर मैथमेटिकल प्रूफ कर सकते। तो पहला क्वेश्चन आएगा, बोर्स का मॉडल किस पर बेस्ड है? बोर्स मॉडल आर बेस्ड ऑन रदरफोर्ड क्लासिकल कंसेप्ट एंड प्लैंक क्वांटम कंसेप्ट, ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन आएगा कि बोर्स मॉडल की सबसे बड़ी वीकनेस क्या है, और ये क्वेश्चन फिजिक्स में ज्यादा पूछा जाता है। बोर्स मॉडल की यही सबसे बड़ी वीकनेस है कि इसने रदरफोर्ड के क्लासिकल कंसेप्ट को प्लैंक के क्वांटम कंसेप्ट में मिक्स कर दिया। ओके, तो बोर्स मॉडल की सबसे बड़ी वीकनेस क्या हुई? इट मिक्स रदरफोर्ड क्लासिकल कंसेप्ट विद प्लैंक क्वांटम, ठीक है ना, और यह है इसी पर ही बेस्ड। तो हम देखते हैं इसमें आगे। अब तो ये हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारा इलेक्ट्रॉन है। हम फिजिक्स में पढ़ते हैं कि जब ये सर्कुलर पाथ पे घूमेगा तो इसमें दो फोर्स डेवलप होंगे। एक फोर्स होगा जो बाहर की तरफ लगेगा और जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, और एक फोर्स न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में होगा जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर इसको सर्कुलर पाथ में स्टेबल रोटेट करना है, ठीक है ना, अगर इसे सर्कुलर पाथ में स्टेबल रोटेट करना है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होना चाहिए। तो हम फिर से देख लेते एक ब्लड क्योर सबसे। तो सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होना चाहिए। ओके, आप सही दिख रहा है क्या भैया? नो सर। ब्लड आ रहा है, हम देखते हैं एक बार क्या प्रॉब्लम हो गई। सर आप कैमरे के सामने होते हो ना तो आपको फोकस करता है। अच्छा, ऐसी बात है, अब हम हट गए। सही, अच्छा, दो बार टैप करते हैं भूल जाते हैं। ठीक है, तो सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए इन दोनों फोर्स का होना जरूरी, ठीक है ना। इसके बेसिस पर बोर्स ने कुछ पोस्टुलेट दिए, और इसका फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था? अराउंड एटम, अराउंड न्यूक्लियस, मैनी सर्कुलर ऑर्बिट आर प्रेजेंट। न्यूक्लियस के चारों तरफ खूब सारे सर्कुलर ऑर्बिट्स प्रेजेंट होंगे, मतलब हमारा ये न्यूक्लियस है तो ये, ठीक है। हम आगे बढ़े, नंबर टू, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विन ऑर्बिट विदाउट लूजिंग एनर्जी। ये इसने प्लैंक के कंसेप्ट से लिया कि प्लैंक कहता था वो नॉर्मली एनर्जी इमिट नहीं करता, कंटिन्यूअसली इमिट नहीं करता, तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ऑर्बिट विदाउट लूजिंग इज एनर्जी, ठीक है ना। अब डाउट आया कि इलेक्ट्रॉन इनमें से किस ऑर्बिट में रोटेट करेगा, किस में घूमेगा, तो फिर इसने नया कंसेप्ट दिया
इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन दोज ऑर्बिट फॉर विच एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी. एंगुलर मोमेंटम का मतलब हो गया एंगुलर वेलोसिटी से जो फोर्स प्रोड्यूस होता है. एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू एनएच टू पर. इसमें बोर्स कहता है कि इलेक्ट्रॉन हर जगह नहीं घूम सकता, सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में रोटेट करेगा जिसमें इसकी वेलोसिटी या एंगुलर मोमेंटम उसके इक्विवेलेंट. इसका मींस क्या है आप देखना, एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ऐसी होनी चाहिए कि वो ऐसे रोटेट करे और फिर जाकर वापस उसमें मिल जाए, ठीक है ना. तो इसका एंगुलर मोमेंटम इसके सर्कमफेरेंस के इक्वल होना चाहिए. अगर ऐसा नहीं होगा तो कोई दो इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड होकर डिस्ट्रॉय हो जाए. तो इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिट में नहीं घूम सकता, सिर्फ उसी ऑर्बिट में रोटेट करेगा जिसकी एनर्जी और वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और वेलोसिटी के इक्वल, ठीक है ना. अब इसने हमको फोर्थ पॉइंट बताया, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल, ठीक है ना, इमिट और एब्सॉर्ब एनर्जी. जब इलेक्ट्रॉन एक सेल से यहां से यहां जाएगा या वहां से यहां आएगा तो एनर्जी इमिट करेगा, और वो एनर्जी कितनी होगी, वो हमारे इतनी होगी, ठीक है ना. इसकी वैल्यू हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी 13.6, ठीक है ना. कोई बता सकता है आगे का फॉर्मूला, यहाँ पर हम जेड स्क्वायर भी लिख सकते हैं. अब बताओ यहाँ पर क्या था, एन वन स्क्वायर, और यहाँ क्या था, एन टू स्क्वायर. यहाँ माइनस आएगा या नहीं, देखो पुरानी देखकर बताओ फटाफट कि आएगा या नहीं, नहीं, ठीक है ना. तो ये हमारा एनर्जी का फॉर्मूला है, ठीक है ना. और हमने एक दूसरा फॉर्मूला भी निकाला था, वो ये था माइनस 13.6 इनटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, और इसका यूनिट थी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. पर एनसीईआरटी में मैंने आपको बताया था ज्यादातर क्वेश्चन जूल से कराए हुए, ठीक है ना. तो इस 13.6 को किससे रिप्लेस कर देंगे हम, 13.6 को, ठीक है ना. इससे जो एनर्जी आएगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में आएगी. पर एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन जूल में कराए हुए, तो मैं इधर जूल वाला फॉर्मूला भी लिख देता हूँ. 2.18 माइनस 10 रेज टू पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर, एन वन का स्क्वायर और एन टू स्क्वायर. ये इनिशियल है और ये फाइनल. ये बात इसमें ध्यान रखने वाली, और इसमें भी इस 13.6 की जगह पर हम रिप्लेस कर देंगे माइनस 2.18 10 रेज टू पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर. तो मोस्टली आप नोटिस करोगे कॉम्पिटिटिव के सारे क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन बोल्ट से सॉल्व होंगे और एनसीईआरटी का क्वेश्चन सारे जूल से सॉल्व, ठीक है ना. ऐसा इसलिए है कि पहले इलेक्ट्रॉन बोल्ट ही ज्यादा यूज होता था, तो ज्यादातर पुराने टीचर्स को इलेक्ट्रॉन बोल्ट ज्यादा अच्छी तरह याद है, तो वो इलेक्ट्रॉन बोल्ट वाली यूनिट में ही करते. तो हम इन फॉर्मूले से ट्रांजिशन की एनर्जी निकालेंगे. फिर से सुन लो, इससे तब एनर्जी निकालते हैं, और ये इम्पोर्टेंट है. मैंने लास्ट क्लास में आपको कुछ सॉल्व एग्जाम्पल भेजे थे जो सब इससे सॉल्व हो रहे थे. जब इलेक्ट्रॉन वन सेल से दूसरी सेल में मूव करेगा तो एनर्जी इससे निकलेगी, और अगर हमको सिंगल सेल की एनर्जी निकालनी है तो हम इससे निकालें. कोई बच्चा बता सकता है कि फर्स्ट सेल की एनर्जी कितनी होती, फर्स्ट सेल के माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर. वेरी गुड,
और सेकंड की, सेकंड की एनर्जी कोई बताएगा? सेकंड की 3.4 थी, ठीक है ना। अब देखना इसका फिफ्थ कंसेप्ट। फिफ्थ कंसेप्ट हमारा क्या कहता है कि हम इसके रेडियस कैसे निकालें। तो इसके रेडियस निकालने के लिए देखो, इनकी डेरिवेशन हमारे कोर्स में नहीं है तो अभी मैं एक नहीं निकाल रहा हूँ। तो अगर हमें रेडियस निकालनी है तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। ये डेसिमल है। आपकी वीडियो क्लियर नहीं आ रही। अब तो आ रही है यार। क्या? अब तो आ रही है ना क्लियर? कि नहीं? यार अब तो आ रही है। हमारे सामने दो दो चल रहे हैं, हम दो दो चला के पढ़ाते हैं कि हमें खुद दिखता रहे कि क्लियर आ भी रही है कि नहीं। अब आ रही है? यस सर। तो हम इससे निकालेंगे रेडियस और इसकी यूनिट है एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। तो इससे हम निकाल सकते हैं रेडियस और सिक्स्थ कंसेप्ट है इसका वेलोसिटी। तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालनी है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और ये मीटर पर सेकेंड। अगर कुछ जगह आप देखोगे कि पावर 8 होगी, जब पावर 8 होगी तो इसकी यूनिट चेंज होकर सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर किसी को इतने में से कुछ नोट करना है तो वो नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आज टाइम बचा तो रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी के फॉर्मूले डिराइव करने की कोशिश करें, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में या चैप्टर खत्म होने के बाद में, ठीक है। तो ये आपका बोर्स मॉडल है जो आपके 11th में लिखने को आता है और इन तीन फॉर्मूले से आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने को आता है। 11th में डेफिनेट एनर्जी, रेडियस और वेलोसिटी का एक सिंगल क्वेश्चन डेफिनेट आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, ओके। किसी को डाउट है इतने पार्ट में? हटा दें इसको, हटा दें बच्चों। तो हमने ये बोर्स मॉडल के पोस्टुलेट पढ़े, ठीक है ना। तो हम चलते हैं अब इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है और इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स। तो हम इसको हटा रहे हैं और इसकी जगह लिखेंगे तो इसकी फर्स्ट एडवांटेज क्या है कि हम बोर्स मॉडल की हेल्प से निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? कैलकुलेट रेडियस, एनर्जी एंड वेलोसिटी। ये तीन बातें निकाल सकते हैं। कोई बताएगा रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा? कोई बच्चा बताएगा? 0.5 ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 0.529 into n square by z और यूनिट होगी एंगस्ट्रॉम। सर आपकी स्क्रीन ब्लर हो गई। हाँ वही हम सही कर रहे, आज कुछ ज्यादा ही ब्लर हो रही है। क्या हुआ है भैया? ये फोकस बिगड़ रहा है। क्या हुआ? तो सब कुछ कर लिया, एक मिनट करते हैं भाई। थोड़ा करते हैं कुछ,
अभी घर अभी शायद अब आ गया तो अच्छा, ये हमको ही देखता है बदमाश। तो इसके रेडियस निकालने का फॉर्मूला अभी अभी हमने पढ़ा था, 0.529 इनटू जेड सॉरी एन स्क्वायर बाय जेड, और नीचे हम एंगस्ट्रॉम जेड लिखकर यूनिट लिख रहे। एनर्जी का फॉर्मूला हमने लिखा था, तो सबसे पहले हम वो फॉर्मूला लिख रहे हैं जो 11th में एनसीईआरटी में ज्यादा यूज होता है, और ये फॉर्मूला ये है, और इसकी यूनिट क्या है, जूल पर एटम। अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालते हैं तो ये फॉर्मूला हमारा ये हो जाएगा, ठीक है ना। कॉम्पिटिटिव में इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फॉर्मूला पूछा जाता है, और 11th में जूल पर एटम का फॉर्मूला पूछा जाता है। अगर हम इस एनर्जी को किलो जूल पर मोल में निकालते हैं तो ये फॉर्मूला ये कन्वर्ट हो जाता है। आप एनसीईआरटी में देखोगे तो जेड नहीं दिखेगा आपको, तो वो जेड इसलिए नहीं दिखेगा कि बोर्स मॉडल सिर्फ हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल है, तो इसने हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 को स्क्वायर करके हटा दिया, तो इससे एनर्जी हम निकालेंगे ऐसे। अब आया हमारा लास्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, ठीक है ना। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला भी अभी अभी लिखा था, और ये था इतना इंटू जेड बाई एन मीटर पर सेकंड। आप इतने की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो एक न्यूमेरिकल आपको डेफिनेट हर एग्जाम में मिलेगा। और एनर्जी में आपने ये फॉर्मूला और लिख लिया कि डेली इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर एन वन स्क्वायर एन टू स्क्वायर, या फिर डेली इज इक्वल टू 2.18 × 10⁻¹⁸ एन वन स्क्वायर माइनस एन टू स्क्वायर और जेड स्क्वायर। इस वाले फॉर्मूले की यूनिट जूल पर एटम है, और ऊपर वाले की इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, और बहुत सारे क्वेश्चन इस पर ही बेस्ड है। मतलब आप देखोगे कि 90% क्वेश्चन इस फॉर्मूले से आते। अगर हमने ये फॉर्मूला लिख लिया, याद कर लिया, तो हम न्यूमेरिकल कर सकते, ठीक है ना। तो आप इसका डेफिनेट स्क्रीनशॉट ले लो और कहीं पे चुपका लो दिमाग पर, आपको डेफिनेट एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये थी बोर्ड्स मॉडल के एडवांटेज, ठीक है ना। अब आई डिसएडवांटेज, तो हम पढ़ते हैं डिसएडवांटेज में पहले डिसएडवांटेज क्या है, इट ओनली एप्लीकेबल ऑन हाइड्रोजन और वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, सिर्फ वही लग सकता है जहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हो। कोई बच्चा बताएगा, कोई बच्चा one. ये सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे लगेगा। कैसे देखना, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है तो लग जाएगा, ठीक है ना। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है तो इलेक्ट्रॉन 2 है नहीं लगेगा, लेकिन अब हमने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो अब लग जाएगा। कोई बताएगा लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। अब हमने इसमें से 2 निकाल दिए तो कितने बचे? 1। तो अब लग जाएगा। कोई बता सकता है सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11। हमने कितने निकाल दिए? 10। कितने बचे? 1। तो हम इस पे लगा सकते हैं, लेकिन हीलियम पर, लिथियम पर, बेरिलियम पर नहीं लगा सकते। ये कॉम्पिटिटिव में काम आता है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ बोर्स का मॉडल वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर ही एप्लीकेबल। कैसे होगा देख, क्वेश्चन कैलकुलेट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी निकालो, कैलकुलेट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है आयोनाइजेशन एनर्जी का? आयोनाइजेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को 1 से जंप कराकर इंफिनिटी तक ले जाना है, तो इंफिनिटी में से E1 की एनर्जी को माइनस कर दो,
इंफिनिटी की एनर्जी जीरो होती, ठीक है ना, और इवन की एनर्जी इससे निकाल सकते, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 13.6, और वन की जगह हमने वन रख दिया तो किसी का भी आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी हो गई, कोई बता सकता है? किसी की भी आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी हो गई? 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, अब हमें किसकी निकालनी है, किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी निकालनी है, कोई बोलेगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर किसी को याद है क्या? वन। तो यही हो गई। अब वो पूछे हीलियम के निकालो तो बताओ कितनी आएगी, हीलियम की आयोनाइजेशन इनटू 13.6 इनटू 2 स्क्वायर, तो इनटू कर ले, हीलियम की 54.2 आएगा, 54 है ना, पर ये गलत है। क्यों गलत है? हम हीलियम की निकाल ही नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम नहीं, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम नहीं, तो हम आगे लिख लेंगे दो इलेक्ट्रॉन है इसलिए नहीं निकाल सकते। तो आपको साथ में ये भी याद रखना पड़ेगा। तो देखो जेई में, नीट में और इलेवेंथ की उसमें कोई फर्क नहीं है, सिर्फ क्या होता है इलेवेंथ में सिंगल कंसेप्ट की प्रॉब्लम आती, मतलब वो डायरेक्ट हाइड्रोजन पूछेगा, कोई एक्सेप्शन नहीं पूछेगा। नीट में कंसेप्ट प्लस एक्सेप्शन को मिक्स करते हैं, दो कंसेप्टों को मिक्स करके क्वेश्चन बनाते हैं, इसलिए हमें सारे कंसेप्ट कॉम्पिटिटिव के लिए आना जरूरी, ठीक है ना। तो हम हीलियम की क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन, और अगर ये इसकी निकालने को कहता तो कितनी होती हीलियम प्लस की? तो अभी बच्चे ने बताई थी 54.4, ओके, तो अभी अभी बताई थी 54.4, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर सीखा कि इसकी डिसएडवांटेज क्या थी। इसकी पहली डिसएडवांटेज ये थी कि हम इसको सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ही अप्लाइड कर सकते हैं। अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया तो बोर्स मॉडल फेल हो जाएगा। अब दूसरा डाउट देखना, ठीक है ना, दूसरा डाउट क्या था? इट नॉट एक्सप्लेन, ठीक है ना, इलेप्टिकल ऑर्बिट, इलेप्टिकल ऑर्बिट की एक्सप्लेनेशन नहीं करता था, और ये इलेप्टिकल ऑर्बिटल का कंसेप्ट इसने दिया था सोमरफील्ड ने। सोमरफील्ड ने बताया कि एटम में सर्कुलर के साथ साथ इलेप्टिकल ऑर्बिट भी होती है, जबकि बोर्स ने हमें पता है बार बार स्ट्रेस देके कहा था कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे विदाउट लूजिंग एनर्जी रोटेट करते, तो ये सोमरफील्ड के कंसेप्ट को अपोज कर रहा है, ठीक है ना। दूसरा डिसएडवांटेज ये आया। अब तीसरा डिसएडवांटेज इंपॉर्टेंट है और वो क्या है हम देखते हैं। इट नॉट एक्सप्लेन, ठीक है ना, फाइन स्ट्रक्चर, इट नॉट एक्सप्लेन फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रम। फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रम का मींस क्या है, पहले इसको लिख देता हूं फिर समझाता हूं। दैट इज मींस, ठीक है ना, नॉट एक्सप्लेन जीमान, जीमान मैग्नेटिक फील्ड में होगा एंड स्टार्क इफेक्ट, ये दो इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया और ये इलेक्ट्रिकल फील्ड में। अब कोई कहेगा ये इफेक्ट क्या है, तो आपको इतना भी याद करने से काम चलेगा शुरू में कि जीमान इफेक्ट को और स्टार्क इफेक्ट को नहीं करता। अब ध्यान से देखना,
जब हमने स्पेक्ट्रम खींचा तो हमें एक लाइन दिखाई दी, ठीक है ना, जिसको बोर्स ने ऑर्बिट कहा, और इसी को देखकर बताया कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में ही रोटेट करता है। बाद में क्या हुआ, जीमान ने क्या किया, इस लाइन को जब वो स्पेक्ट्रम बना रहे थे तो इस लाइन के दोनों तरफ मैग्नेटिक फील्ड रख दिया। जब मैग्नेटिक फील्ड रख दिया तो उसने देखा ये लाइन छोटी छोटी स्मॉल सब लाइंस में कन्वर्ट हो गई। जीमान प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिटेड इनटू मल्टीपल सिंपल लाइन एंड बोर्स नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर। बोर्स ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ये लाइन कहां से आई। तो बच्चों ये लाइन, ये तो ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करती है, और ये वाली जो लाइन है, ठीक है ना, वो सब सेल को रिप्रेजेंट, जैसे हमने कभी पढ़ा होगा एसपीडीएफ, ये इनको एक्सप्लेन कर। और यही इफेक्ट तब आया जब स्टार्क, स्टार्क ने कौन सी चीज यूज करी, स्टार्क ने कौन सा फील्ड यूज किया, इलेक्ट्रिकल, और जीमान ने कौन सा यूज किया, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो ये तीन इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज है बोर्स मॉडल की। तो हम बोर्स मॉडल को फिर से रिव्यू करते हैं। नंबर वन, बोर्स मॉडल बेस्ड ऑन क्लासिकल एंड क्वांटम कंसेप्ट। क्लासिकल का मींस है रदरफोर्ड एंड क्वांटम का मींस है प्लैंक कंसेप्ट। रदरफोर्ड डिसएडवांटेज इज इट बेस्ड ऑन क्लासिकल एंड क्वांटम कंसेप्ट। इसकी यही सबसे बड़ी वीकनेस है बोर्स मॉडल की, कि ये क्वांटम और क्लासिकल कंसेप्ट पर बेस्ड है। रदरफोर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट थे। फर्स्ट पोस्टुलेट उसने हमको दिया कौन सा, कि अराउंड न्यूक्लियस, ठीक है ना, सर्कुलर ऑर्बिट इज प्रेजेंट। न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट प्रेजेंट होती। नंबर टू, ठीक है ना, सर्कुलर ऑर्बिट एनर्जी आर फिक्स, सर्कुलर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती। नंबर थ्री, When electron revolve in these circular orbit, neither lose nor gain energy. जब इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स में घूमेगा तो ना तो एनर्जी इमिट करेगा और ना ही एब्जॉर्ब करेगा। नंबर फोर, When electron jump from one energy level to another energy level, it absorb or emit energy. ये एनर्जी इमिट और एब्जॉर्ब करेगा, और वो एनर्जी इन दोनों के डिफरेंस के बराबर हो, ठीक है ना। जितनी एनर्जी वो दोनों का डिफरेंस होगा उतनी ही एनर्जी या तो एब्जॉर्ब कर लेगा और या फिर लीकेज कर, ठीक है ना। अब लास्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग दोज ऑर्बिट फॉर विच एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू एनएच टू, ठीक है ना, एनएच टू पाई के बराबर होता। मतलब इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिट में नहीं घूम सकता, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में रोटेट करेगा, रिवॉल्व करेगा, जिसकी जिसमें एनर्जी उसके लायक, ठीक है ना। ये पांच छह पॉइंट थे बोर्स मॉडल के, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कोई बच्चा कहे कि सर मेरे को तो कुछ भी याद व्याद नहीं हो, तो बच्चों टेंशन की कोई बात नहीं। अगर हम सिर्फ एनर्जी के फॉर्मूले भी याद कर लेंगे तो हम बोर्स मॉडल से रिलेटेड, बोर्स मॉडल से रिलेटेड 90% प्रॉब्लम सॉल्व कर। आप एक क्वेश्चन लिख लें जो आपके लिए होमवर्क, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ईएन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सक्यूज मी सर, सेकंड वाली लिमिटेशन का दोबारा समझाना। बिल्कुल, इट नॉट एक्सप्लेन द इलेप्टिकल ऑर्बिट। इलेप्टिकल ऑर्बिट क्या कहता है, ये सोमरफील्ड ने बोर्स के बाद में हमको समझाया। मतलब जब बोर्स से मॉडल दे चुका था ना, उसके कुछ सालों बाद सोमरफील्ड ने हमको बताया कि एटम, ये तो देखो न्यूक्लियस है। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि ऐसी ऑर्बिट होती है, लेकिन सोमरफील्ड ने बताया ऐसी भी ऑर्बिट पॉसिबल, इलेप्टिकल ऑर्बिटल भी पॉसिबल, ठीक है ना। जो 11th के कोर्स में नहीं है, सिर्फ कॉम्पिटिटिव में भी नहीं है, कॉम्पिटिटिव में भी बहुत सालों से क्वेश्चन नहीं आया, सिर्फ फिजिक्स में पढ़ाया जाता है,
ठीक है ना, तो उसको मैं तुम्हें शॉर्ट में समझा देता हूँ, देखना। ये हमारा एक न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को एनआर कहते हैं, इसको कहते हैं रेडियल क्वांटम नंबर। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से घूमकर यहाँ आ गया, तो ये एंगल चेंज होगा ना, ये एंगल चेंज होगा ना। हेलो, यस सर, होगा ना। तो अब जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है एन, वो दो से मिलकर बनी हुई है, एन थीटा और एन आर। अब ध्यान से देखना, अगर थीटा की वैल्यू 4 हो, मतलब कोई भी वैल्यू, और एन आर की वैल्यू 0 हो, ये वाली कंडीशन ये बता रही है, क्या बता रही है कि रेडियस चेंज नहीं हो रही है, क्या बता रही है, रेडियस चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, थीटा एंगल या फिर थीटा। तो ये कंडीशन कब के लिए है, जब इलेक्ट्रॉन इलेप्टिकल पे घूमे या फिर सर्कुलर में। तो ये कंडीशन अगर एन की वैल्यू एन थीटा के बराबर है, तो ये किस, कौन सी कंडीशन हुई, सर्कुलर कंडीशन, ठीक है ना। क्वांटिटेटिव वालों लिख सकते हैं। अब दूसरी कंडीशन देखना, अगर एन थीटा और एन आर, अब ये 0 है और ये 4 है, तो बताओ क्या बदल रही है, रेडियस। अब सिर्फ रेडियस बदल रही है और एंगल नहीं बदल रहा, ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा तब पॉसिबल है जब ये न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन कैसे जाए, स्ट्रेट लाइन। देखो रेडियस बढ़ती जा रही है ना, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, तो एंगल तो चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ क्या बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है, रेडियस, ठीक है ना। तो अगर एन की वैल्यू एन आर के बराबर हो, तो बताओ इलेक्ट्रॉन कैसे भागेगा, स्ट्रेट लाइन में, कैसे भागेगा, स्ट्रेट लाइन। और फिजिक्स में इसी का आंसर हेलिकल होता है। फिजिक्स में क्या कहते हैं कि जब चार्ज पार्टिकल भागेगा, तो वो ऐसा ऐसे ऐसे भागेगा, सीधी लाइन भागेगा। केमिस्ट्री में आए तो स्ट्रेट लाइन, हेलिकल फिजिक्स में आए तो 100% हेलिकल, और केमिस्ट्री में दोनों आ जाए तो भी हेलिकल, हेलिकल इज मोर करेक्ट। अब लास्ट कंडीशन देख लेना, एन बराबर एन थीटा और एन आर है, एन की वैल्यू दोनों के बराबर है, जैसे 1+2, तो अब दोनों बदल रही है, कैसे बदल रही है, दोनों बदल रही है, ऐसा कब पॉसिबल है। देखो ये तो एन आर हो गया और ये एन थीटा हो गया, तो ये कब पॉसिबल है, हेलिकल में, ये इलेप्टिकल में पॉसिबल। तो अगर एन की वैल्यू एन थीटा और एन आर के बराबर हो, तो इलेप्टिकल होगा, अगर एन की वैल्यू एन आर के बराबर हो, तो स्ट्रेट लाइन में होगा, और अगर एन की वैल्यू एन थीटा के बराबर हो, तो कैसा होगा, सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर, ठीक है ना। और दूसरी चौथी इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी सेल में एक ही सर्कुलर ऑर्बिट पॉसिबल है। जैसे वो पूछे एन फोर में कितनी सर्कुलर होंगी, एन फोर कंटेन फोर्थ सेल में कितनी सर्कुलर ऑर्बिट होंगी, वन, कितनी होंगी, वन। फाइव में कितनी होंगी, वन। थर्ड में, वन। सेकंड में, वन। फर्स्ट में, वन। अब सेकंड में कितनी इलेप्टिकल होंगी, तो सर्कुलर के अलावा जितनी बची उतनी इलेप्टिकल होंगी, तो एन टू में, अगर एन टू है तो बताओ सर्कुलर तो एक ही होगी, तो बताओ इलेप्टिकल कितनी बची, कितनी बची, एक, या फिर एन माइनस वन। ये पांच क्वेश्चन आप कहीं पे भी लिख लो, आप चाहे आप जेई दो या नीट दो, इन चार के अलावा पांचवा क्वेश्चन तुम्हारी लाइफ में तो आएगा नहीं,
और दूसरे के लाइफ से तुम्हें करना है, ठीक है ना। आप जब तक यही और नीड देते रहोगे, आपके इन चार के अलावा पांचवा क्वेश्चन नहीं आएगा। क्यों? ये चार ही आज तक नहीं आए, ठीक है ना। तो ये फोर क्वेश्चन ही आज तक नहीं आए, तो फिफ्थ क्वेश्चन आने के कोई चांस। अब हम चलेंगे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट की तरफ, और वो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट कौन सा है? वो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। क्वांटम नंबर हमको क्या बताता है, कोई बता सकता है? क्वांटम नंबर क्या है? पिन कोड की तरह। किसकी तरह? पिन कोड की तरह। बताओ पिन कोड क्या बताता है? अगर आपने किसी को अपने घर का पिन कोड दे दिया, तो क्या वो आपके कोई वो आदमी आपके एरिया में आ सकता है क्या? आ सकता है, ठीक है ना। तो पिन कोड ऐसे होता है 300204 ऐसे कर, ठीक है ना। इसके जो शुरू का वो होता है वो कंट्री कोड होता है, ठीक है ना। तो कंट्री कोड अपने यहाँ का कितना है? 91। दूसरा जो कोड होता है वो स्टेट का कोड होता है। तो 30 राजस्थान को रिप्रेजेंट करता है। जो अगले नंबर होते हैं वो सिटी को या शहर को, तो ये जयपुर का कोड है। ये कौन सा कोड है? जयपुर का। और इससे जो अगला नंबर होता है, ठीक है ना,